वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के सफीर की हैसियत से एक बार फिर आलमी सतह पर आवाज बुलंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आलमी बरादरी जान ले कि मसला कश्मीर गंभीर हो चुका, अमरीकी सदर होने की हैसियत से ट्रंप मदाखलत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से 80 लाख लोगों पर कर्फ्यू नाफिज है। सियासी क़यादत हजारों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने आजाद कश्मीर को भारत का हिस्सा होने का बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर के हल की कोशिश करना मेरे लिए सबसे आम है। Because Kashmir is, you know, it's a far more serious problem than people realize. आलमी बिरादरी जान ले कि मसला कश्मीर गंभीर हो चुका है, अमरीकी सदर होने की हैसियत से ट्रंप मुदाखलत करें। अक़वामे मुत्तहदा और सलामती कौंसिल के पास भारत को बाज रखने के तरीके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत में हिंदू नजरियात का गलबा है जिसे हिंदुत्वा कहते हैं। In Kashmir, I'm scared because in Kashmir, they have already the stated aim of this RSS is that they will change the demography of people of Kashmir. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. There are 10 or 11 United Nations resolutions which confirm that it's a dispute, and the people of Kashmir through a referendum could decide whichever. RSS मुसलमानों की नस्ल कुशी पर यकीन रखती है और नरेंद्र मोदी और RSS के ताहयात रुकन हैं। 3 बार दहशतगर्द करार दी गई तंजीम भारत में हावी हो गई है। इमरान खान ने इंटरव्यू में मजीद कहा कि परवेज मुशर्रफ ने कहा था अफगानिस्तान का मसला चंद हफ्तों में हल हो जाएगा। जंग मसले का हल नहीं होती, तनाजात बातचीत से हल करने चाहिए। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मुश्किल में आएंगे, गुरबत बढ़ेगी। मजीद कहा कि अमरीका ईरान तनाजा तबाहकुन होगा। ईरान का तनाजा अफगानिस्तान से कहीं मुश्किल साबित होगा। तनाजे के फौजी हल पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए।